दादी समाज सेवा समिति जोधपुर संभाग के चुनाव के लिए आगामी 7 जनवरी को मतदान होगा। समिति के प्रवक्ता प्रेम शंकर आचार्य ने बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से मतदान प्रणाली से चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर माता का थान क्षेत्र स्थित दादी समाज भवन में आयोजित कार्यक्रम में चुनाव निर्देशिका को लेकर एक पोस्टर का विमोचन चुनाव अधिकारी जगदीश नामावाल और समाज के गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। निर्देशिका के अनुसार 24 दिसंबर को प्रातः 9 से 11 बजे तक आवेदन वितरण किए जाएंगे। इसके बाद उसी दिन 12 से 4 बजे तक आवेदन जमा किए जाएंगे। 25 दिसंबर प्रातः 9 से 3 बजे तक नाम वापस किया जा सकेगा। इसके पश्चात दिनांक 25 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 7 जनवरी को मतदान के बाद मतगणना का परिणाम घोषित किए जाएंगे। 24 दिसंबर को नामांकन फार्म जमा किया जाएंगे, 25 दिसंबर को नाम वापस लिए जाएंगे। चुनाव के अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और 3 सदस्यों के चुनाव होंगे। 7 जनवरी को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी और उसके पश्चात काउंटिंग की जाएगी। जो भी विजय प्रत्याशी होंगे उसी का उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा और उन्हें घोषणा कर दी जाएगी। जो भी पूर्व कार्यकर्मी है आज से वो निष्कासित है। अध्यक्ष केवल कार्यवाही के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। इनकी पूर्व कार्यक्रम रिजोल्व कर दी गई। आज 10 तारीख से शुरू हो गया नॉमिनेशन, जिसकी वोट लिस्ट जारी कर दी गई और नियमानुसार जो तारीखें और डेट दी हुई है उसके अनुसार चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। हमारे रिटर्निंग अधिकारी रवि जी आचार्य और चुनाव अधिकारी जगदीश जी की देखरेख में ये चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे।